एनीबॉडी कैन कुक वेल। इतना लटका मैं आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इडली और डोसा का बैटर अगर पतला हो जाता है या इसमें गलती से थोड़ा ज्यादा पानी डल जाता है तो आप इसे कैसे सुधार सकते हैं। और अगर आपको ये टिप्स पसंद आती है तो हमेशा की तरह इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ढेर सारी टिप्स और टिप्स लेकर आने वाली हूँ जो आपके बहुत ही काम की है। और मेरा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करने का बेल का बटन भी जरूर दबाएं। अगर आपका इडली या डोसा का बैटर परफेक्ट रहता है तो आपके इडली और डोसा भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। इडली और डोसा के बैटर से अप्पे और उत्पम भी बनाए जाते हैं। अगर आपका बैटर किसी भी कारण से पतला हो जाता है तो आप पतले बैटर का इस्तेमाल करते हुए डोसा बनाते हैं तो इससे आपका डोसा तभी पे चिपक जाता है और आपको इसे निकालने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है या कई बार डोसा टूट भी जाता है और इडली भी इडली मेकर में चिपक जाती है या कच्ची रह जाती है या फिर कड़क बन जाती है। तो आइए देखें इडली और डोसा के पतले बैटर को कैसे सुधारें। एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी बैटर को गाढ़ा करने के लिए इसमें किसी भी प्रकार के आटे का इस्तेमाल ना करें। आटे का इस्तेमाल करने से आपके डोसा पराठे की तरह बन सकते हैं और इडली भी चिपचिपी बन सकती हैं। अगर आपका बैटर परफेक्ट रहता है तो इससे आपके डोसा भी परफेक्ट बनेंगे। तो पतले बैटर को परफेक्ट बनाने के लिए आप इसमें रवे या सूजी का इस्तेमाल करें, इससे आपके बैटर में बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन आ जाएगा। बैटर में एक चम्मच रवा डालें और मिक्स कर लीजिए। ज़रूरत के अनुसार थोड़ी थोड़ी करके सूजी या रवा डालें और मिक्स करके चेक करते जाएं। जब आपका बैटर गाढ़ा हो जाए तो सूजी मिलाना बंद कर दें। बैटर को थिक करने के लिए यहाँ मैंने 3 छोटे चम्मच रवा का इस्तेमाल किया है। आप अपने बैटर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसमें रवा का इस्तेमाल करें। बैटर में रवा का इस्तेमाल करने से आपके डोसा जो हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और इडली भी बहुत ही स्मूथ और स्पंजी बनेंगी। और अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।